फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 शुरू होने में भी काफी समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2020 का ऑक्शन यानी नीलामी अब जल्दी शुरू होने वाली है। और इस ऑक्शन से पहले पंजाब की टीम लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल पंजाब की टीम लगातार काफी सारे चेंजेस अपनी टीम में कर रही है। दरअसल पंजाब की टीम ने अपना हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, इसके साथ ही टीम डायरेक्टर, इन सब में बदलाव कर दिया है। और अनिल कुंबले को इस टीम का हेड कोच और इसके साथ ही टीम डायरेक्टर बना दिया है। यानी पंजाब के ओनर्स ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनिल कुंबले को दे दी है आईपीएल 2020 के सीजन के लिए। अब ये सब कुछ अनिल कुंबले पर निर्भर करता है कि वो किन प्लेयर्स को इस ऑक्शन से पहले रिलीज करे, किन प्लेयर्स को टीम में रिटेन करे और ऑक्शन में कौन से प्लेयर्स को खरीदे। इसके अलावा पंजाब का कप्तान कौन होगा आईपीएल 2020 के सीजन के लिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फिलहाल अनिल कुंबले के पास है। और अभी अनिल कुंबले ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया है कि आखिर कौन हो सकता है पंजाब का नया कप्तान और किसे होना चाहिए पंजाब का आईपीएल 2020 के सीजन के लिए नया कप्तान। ऐसा कुछ उन्होंने अभी जर्सी के इवेंट में बताया था। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर कौन बनेगा पंजाब का आईपीएल 2020 के सीजन के लिए नया कप्तान। मैं सारी कंफर्म्ड न्यूज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन, तो नीचे का लाइक का बटन दिया होगा उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, पंजाब की टीम आईपीएल 2020 के सीजन के लिए जो भी डिसीजन ले रही है वो काफ़ी समय और काफ़ी सोच विचार के बाद ले रही है। दरअसल पंजाब की टीम ओनर्स ने नया हेड कोच बनाने के लिए अनिल कुंबले, इसके साथ ही डेनियल लेमन, इसके साथ ही माइक हसी और इसके साथ ही टॉम मूडी, इन सबके इंटरव्यूज लिए थे, सबसे बातचीत करी थी और लगभग एक महीने बाद ये डिसीजन बनाया था। अब नए कप्तान के लिए भी पंजाब में काफ़ी चर्चाएँ चल रही है और पंजाब के टीम ओनर चाहते हैं कि केएल राहुल इस टीम के लिए नया कप्तान बने और इस सीजन में इस टीम की कप्तानी केएल राहुल करें। लेकिन अनिल कुंबले चाहते हैं कि केएल राहुल इसके साथ ही क्रिस गेल, इन दोनों में से किसी एक को कप्तानी सौंपी जाए। और अभी जो फिलहाल अनिल कुंबले की तरफ से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके अकॉर्डिंग अनिल कुंबले 7 दिन में ये डिसाइड कर देंगे कि कौन होगा पंजाब का नया कप्तान। और हो सकता है अनिल कुंबले डिसाइड करे कि पंजाब ना तो क्रिस गेल के साथ जाए ना ही जाए केएल राहुल के साथ। और अभी तो फिलहाल अश्विन भी इस टीम में रहने वाले हैं, अश्विन ट्रेड नहीं होंगे, लेकिन पंजाब के टीम ओनर्स और पंजाब के हेड कोच अश्विन को एज ए कैप्टन बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। हो सकता है 7 दिन के अंदर अगर पंजाब की टीम नया कप्तान नियुक्त नहीं करेगी तो फिर पंजाब की टीम ऑक्शन में अपना नया कप्तान तलाशेगी और ऑक्शन में इनके सामने विकल्प काफी सारे हैं। इनके पास एरोन पिंच, ओएन मॉर्गन, इसके साथ ही जो रूट के रूप में 3 बड़े ही बेहतरीन विकल्प है और इन 3 में से 2 यानी एरोन पिंच और ओएन मॉर्गन, ये दोनों तो इनके लिए काफी की प्लेयर्स और काफी बड़े विकल्प है। इन दोनों के पीछे ये टीम डेफिनेटली जाएगी अगर 7 दिन में ये टीम नए कप्तान की नियुक्ति नहीं करती है तो। यानी पंजाब की टीम के लिए जो हेड कोच का मामला फंसा था वैसा ही कुछ इनके नए कप्तान का मामला फंस चुका है। और जैसे हेड कोच के लिए उन्होंने एंड में काफी सरप्राइजिंग और काफी अच्छा डिसीजन लिया था, हो सकता है ये टीम नए कप्तान के लिए भी एट द एंड काफी सरप्राइजिंग और काफी अच्छा डिसीजन ले और ओएन मॉर्गन या फिर एरोन पिंच इन दोनों में से किसी एक को ऑक्शन में खरीद कर कप्तान बना दे। अब लगभग 7 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन होने वाला है पंजाब का इस सीजन के लिए नया कप्तान। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आखिर किसे होना चाहिए पंजाब का इस सीजन के लिए नया कप्तान। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।